नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस व्लॉग में हम आपको लेकर के आए हैं कब्बन पार्क, जो कि बेंगलोर का सबसे इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन है। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पुराने हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब के लिए कोई फीस नहीं है। कब्बन नाम इसलिए पड़ा, क्यों पड़ा, ये हम आपको बताएंगे अभी आगे चल करके। तो आप किसी भी समय में एक बार यहाँ पर आ सकते हैं। आप जब भी आएंगे आपको ये बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, फिनिश है, और यहाँ पर बहुत पुराने पुराने ट्रीज आपको दिखाई देते हैं। तो चलिए हमारे साथ कब्बन पार्क की यात्रा करते हैं। दोस्तों यहाँ आने के लिए कुल मिलाकर के 8 गेट हैं। हम लोग हैं गेट नंबर 4 की तरफ, जिसको चामरा राजेंद्र पार्क इसको बोलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर यह पूरा मैप लगा हुआ है, कौन कौन से यहाँ पर स्टैचूज हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे किंग एडवर्ड का स्टैचू है, क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू है, लेफ्टिनेंट जनरल मार्क कब्बन जिनके नाम पर ये बना है उनका स्टैचू है, तो जो यहाँ के जो राजा है मैसूर को उनका स्टैचू है, दीवान सर जो है उनका स्टैचू है, साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं उसकी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। तो ये मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपको क्या क्या जाना है, क्या क्या देखना है। और ये जो है ये सेंटर ऑफ द बेंगलोर है, तो यहाँ के आसपास आपको हाई कोर्ट और यहाँ के आसपास आपको सेंट्रल लाइब्रेरी है, मार्केट है, मेजेस्टिक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बहुत पास में दिखाई देती हैं। तो आप यहाँ से कहीं पर भी थोड़ी सी देर में कम्यूट कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। चलिए आपको और कुछ दिखाते हैं कब्बन पार्क में। तो यहाँ पर आप चलते चलते अगर थक जाएं, अगर आपको लगे कि कुछ पीना है, तो यहाँ पर ये जूसेस मिलते हैं और ये कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए जूसेस हैं। तो इसका रेट भी बड़ा रीजनेबल है और यहाँ पर आपको जगह जगह ऐसे स्टॉल दिखते हैं, तो ये 75 रुपीज़ में आप 2 पी सकते हैं। तो हमने भी इसको पिया है, बड़ा इन्जॉय किया है, बड़े अच्छे हैं। यहाँ पर ये ग्रेप वाला है और ये मिंगो वाला है, अलग अलग प्रकार के जूसेस मिलते हैं और ये बड़े नेचुरल हैं बिना किसी मिलावट के। तो आप कब्बन पार्क आएँ तो इसका मज़ा ज़रूर उठाएँ और अपने आप को रीएनर्जाइज करें। दोस्तों हम लोग हैं कब्बन पार्क में और यहाँ पर हमको मीनाक्षी जी मिली हैं। ये बढ़िया धागा बना रही हैं, यान बना रही हैं, एंड दिस इज़ द पेटी चरखा, राइट? सो मीनाक्षी जी, व्हाट डू यू डू, क्या करती हैं? सो एक्चुअली आई डू मेनी थिंग्स, बट हियर आई एम लाइक, वी आर अ ग्रुप ऑफ स्पिनर्स, वी कॉल लेट्स स्पिन बैंगलोर, एंड वी टीच want to learn to spin yarn. Our purpose is that is multifold, but spinning yarn for the individual is very therapeutic, and you get to it's meditation in practice. So as an individual you get to meditate, right? So you're experiencing meditation. You were sharing about Mahatma Gandhi, he used to make the same thing. Yeah, so Mahatma Gandhi's charkha, what we have seen is the big charkha, normal. But somewhere I think in 1936 or something,
charka was designed. It's called a peti charka. Yeah. So the peti charka was designed so that Gandhi could take it with him wherever he went. Yeah. Right. And right. Yeah. You like, since you're having the camera, you can zoom in here. See, it's just magic. I am doing nothing. It's getting automatic. What am I doing? Uh-huh. Nothing. But controlling and a balance, right? And I lost my balance, it got cut. So I think so. It is meditation in practice. Uh-huh. How many spinners are there here in this Kabban Park, like you? They come in the morning? So there are, we don't come every day. Okay. We are trying to come once a month and spin in public. We hold workshops once in a week. So once in a week, teaching people to spin. So there you can find another three of them sitting there and spinning. Yeah, I saw that. So we are about 15-20 of us. Whoever is able to come, comes. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अस थ्रू दिस. एंड दोस्तों, अभी हम जिस स्थान पर खड़े हुए हैं, ये है यहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी. और ये सेंट्रल लाइब्रेरी यहाँ का बहुत बड़ा अट्रैक्शन है. इसको शेषाद्री अय्यर मेमोरियल हॉल भी बोलते हैं. और साथ ही साथ मैं आपको बता दें कि यहाँ पर जो मोबाइल जो लाइब्रेरी होती है वो भी है. ये बसेज आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये बसेज जो है ये मोबाइल लाइब्रेरी है. इसके अंदर रैक बनी हुई है, बुक करते हैं. और साथ ही साथ में राइट साइड में यहाँ पर रोज़ गार्डन देख सकते हैं आप. ये पूरा रोज़ गार्डन है. तो यहाँ अलग अलग रंग के आपको जो रोज़ेज़ हैं वो दिखाई देते हैं. ये आप देख सकते हैं कितनी सुंदर खूबसूरत तरीके से इसको मेंटेन किया हुआ है. तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं लाइब्रेरी में. दोस्तों, अभी हम लोग कब्बन पार्क के अंदर थे. आपने देखा कि हम गेट नंबर 4 से गए थे. अभी हम बाहर निकले हैं गेट नंबर 1 से. तो यहाँ गेट नंबर 1 के राइट साइड में हाई कोर्ट है. बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है. यहाँ कर्नाटका हाई कोर्ट है यहाँ पर स्टेट की. और मेरे सामने की तरफ अगर आप, यहाँ पर विधानसभा जो है यहाँ की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द विधानसभा. ये सबसे खूबसूरत बिल्डिंग होती है. तो अब हम आपको थोड़ा नज़दीक ले जा करके दिखाते हैं कि ये बिल्डिंग किस तरीके से दिखाई देती है. और आप भी ये जो दृश्य है इसका आनंद लीजिए हमारे साथ में.